नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ABTech में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे TGT PGT भर्ती 2020 और TGT PGT भर्ती 2016 के बारे में। आप लोग जानते हैं कि TGT PGT इंटरव्यू अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं, जबकि लोक सेवा आयोग ऑलरेडी शुरू कर चुका है इंटरव्यू। इन्हीं सब बातों की स्थिति जानने के लिए आज बहुत से ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो चयन बोर्ड गए थे, चयन बोर्ड का घेराव किया गया युवा मंच टीम द्वारा, और कई सारे प्रश्नों पर बात हुई। जो चयन आयोग के सचिव हैं नवल किशोर, उन्होंने कई प्रश्नों के जवाब दिए। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि आखिर क्या स्थिति है, कब तक इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं और कब तक ये भर्ती TGT PGT 2020 आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ज्ञापन एक तरीके से 16/7/2020 का, और यहाँ पर लिखा हुआ है जो मांगे उनकी हैं, क्या क्या मांगे हैं तो देख लीजिए। साक्षात्कार की तिथि व शेड्यूल जारी करने के संबंध में, शारीरिक शिक्षा के कॉलेज आवंटन करने के संबंध में, अंग्रेजी के कॉलेज आवंटन करने के संबंध में, जीव विज्ञान परीक्षा तिथि घोषित करने के संबंध में, और 40,000 जो अध्याचन प्राप्त हुआ था उन पदों पर भर्ती के संबंध में। तो ये 5 मांगे थी, ठीक है, जिस पर आज बात हुई है। तो दोस्तों, जो अपडेट निकल के आ रही है वो अपडेट ये है कि सारी बातों पर जो स्पष्टीकरण दिया वो सचिव नवल किशोर जी ने दिया। कुछ भी स्पष्ट जवाब तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि ये जो आपकी मांगे हैं, इन सभी मांगों को हम अपनी मीटिंग में रखेंगे, इन सभी बातों पर चर्चा होगी, सहमति बनेगी, उसके बाद जल्द ही वेबसाइट पर पूरा इसके बारे में जो भी आदेश होगा, जो भी सहमति बनेगी, वेबसाइट पर सारी चीज़ें जारी कर दी जाएंगी, ठीक है। बात अगर करें कि इंटरव्यू कब से शुरू हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर में भी आया था, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 27-28 जुलाई से इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने साफ कर दिया है कि 27-28 जुलाई से इंटरव्यू फ़िलहाल अभी शुरू होने की कोई भी संभावना नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इंटरव्यू शुरू हो, लेकिन उन्हें कोई भी डेट अभी नहीं बताई है। और ये भी कहा है, पूछा गया कि मीटिंग कब होगी, तो उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते, यानी आज थर्सडे है, ये हफ्ता छोड़ दीजिए, मंडे से लेकर के सैटरडे के बीच में एक दिन मीटिंग होगी। मीटिंग पर इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी कि कब से क्या किया जाए, ठीक है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में सूचित किया जाएगा। बात कर लेते हैं अगर TGT PGT 2020 भर्ती के बारे में, तो उसके बारे में भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि 40,000 जो अध्याचन प्राप्त हुए थे उनका टास्क फोर्स से वेरिफिकेशन कराने के बाद लगभग 16,000 पद जो बात निकल कर आए हैं सामने, उन्होंने कहा कि मीटिंग पर इस पर चर्चा होगी कि कब इसका विज्ञापन जारी किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर बात हुई। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो TGT PGT भर्ती 2020 की बात कर रहे हैं, उसमें कौन से आयोग से भर्ती आएगी, चयन बोर्ड से आएगी या फिर पुराने नए भर्ती बोर्ड से आएगी जो सरकार राज्य सरकार गठन करवा रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भर्ती आए वो चयन बोर्ड से ही आए, ठीक है। तो ये मान लीजिए अभी भर्ती आने के पूरे पूरे चांस हैं चयन बोर्ड से, इस पर सहमति बनने के बाद ही निर्णय होगा। तो एक एक्सपेक्टेड डेट आप लोग मान सकते हैं कि 25 जुलाई तक इन सभी बातों पर स्पष्टीकरण आप लोगों को मिल जाएगा कि कब तक ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है और साक्षात्कार कब से शुरू हो सकते हैं। ऑफिशियल साइट पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती रहेगी। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ABTech चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। TGT जीव विज्ञान की डेट पर अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है, मीटिंग पर इस पर भी फैसला होगा। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।